चंपाई सोरेन आज झारखंड के सीएम पद के लेंगे शपथ। राज्यपाल ने देर रात चंपाई सोरेन को राजभवन बुलाकर सरकार बनाने का न्योता दिया। राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करने को कहा है। चंपाई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम भी गए राजभवन। जेएमएम गठबंधन के विधायक रांची के सर्किट हाउस में ठहरे। एयरपोर्ट से विमान की उड़ान कैंसिल होने के बाद सर्किट हाउस में गुजारी रात। कोहरे की वजह से एटीसी ने रांची एयरपोर्ट से विमान को उड़ाने की नहीं दी इजाजत। सभी विधायकों के हैदराबाद जाने की थी योजना। चंपाई सोरेन ने राज्यपाल के सामने 43 विधायकों के सपोर्ट का किया दावा। विधायकों का वीडियो भी जारी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी किया नवंबर में पूरे होने का दावा। कहा कि हमारे पास बहुमत से कहीं ज्यादा विधायकों का समर्थन है। राजेश ठाकुर का बीजेपी केंद्र और जांच एजेंसियों पर अटैक। कहा कि केंद्र और उनकी गुलाम एजेंसियों पर भरोसा नहीं। राजेश ठाकुर ने ईडी पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही होती है ईडी की कार्रवाई। झारखंड बीजेपी ने आज सुबह 11 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक। पार्टी कार्यालय में राज्य पर सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। हेमंत सोरेन की रिमांड पर आज रांची की पीएमएलए कोर्ट की सुनवाई। ईडी ने मांगी 10 दिन की रिमांड। पीएमएलए कोर्ट ने गुरुवार को हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिरसा मुंडा जेल में कटी हेमंत सोरेन की रात। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन और गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है याचिका। गिरफ्तारी से पहले का हेमंत सोरेन का वीडियो मैसेज जारी हुआ। जाली कागजात फर्जी शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी का लगाया आरोप। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त। अधिकारियों के साथ मिलकर किया करप्शन। प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं मोदी शाह। हेमंत सोरेन मामले पर बोले जयराम रमेश। बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आया। सपा चीफ अखिलेश का निशाना। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल में डाल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी अटैक। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार भी गिराना चाहती है बीजेपी। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने कहा कि ईडी का एक्शन बिल्कुल सही है। अब केजरीवाल का नंबर। वाराणसी के ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में आज सुबह की गई मंगला आरती। भारी तादाद में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। कोर्ट के आदेश के बाद व्यास तहखाने में पूजा का आज दूसरा दिन। श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। व्यास जी के तहखाने में रोज सुबह के शाम 5 बार होगी आरती। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती और रात को 10:30 बजे होगी शयन आरती। ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा कड़ी। पूरे इलाके में अर्धसैनिक बल तैनात। तहखाने में पूजा के खिलाफ वाराणसी में आज मुस्लिम समुदाय ने दुकान बंद रखने की अपील की। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे हो सकती है मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई। तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली में आज मुस्लिम संगठन करेंगे ज्ञानवापी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे की रणनीति पर खुलासा करेंगे। दिल्ली में गुरुवार को AIMPLP सहित कई संगठनों ने बैठक की। अरशद मदनी और MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। ओवैसी ने तहखाने को खोले जाने के कोर्ट के फैसले को बताया वर्शिप एक्ट का उल्लंघन। कहा कि आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज ईडी के सामने पेशी पर सस्पेंस बरकरार। शराब घोटाला मामले में ईडी ने 5वीं बार किया समन। ईडी के मुताबिक सीएम की तारीफ नहीं किया है कॉन्टैक्ट। कहा कि पेश नहीं हुए तो हार्ड लैंग्वेज में जारी किया जा सकता है समन। संसद के दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा। सरकार चर्चा के जरिए देगी महिला सशक्तिकरण का संदेश। दोनों सदनों में चर्चा की शुरुआत महिला सांसद करेंगी। लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया है 12 घंटे का समय। लंच ब्रेक भी नहीं होगा। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हिना गावित करेंगी। पीएम मोदी 5 फरवरी को शाम को 5 बजे देंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब। अंतरिम बजट को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक। कहा कि ये देश के निर्माण का बजट है। किसानों के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। बजट पर कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान किसान गरीब निम्न मध्यम वर्ग शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। बजट सकारात्मक है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति देने वाला है बजट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार। कमेटी आज 11 बजे धामी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के खिलाफ देंगी धरना। राज्य का बकाया नहीं चुकाने पर धरने पर बैठेंगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल से झारखंड में करेगी प्रवेश। राहुल गांधी पाकुड़ जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनसीपी नेता रोहित पवार को ईडी ने 8 फरवरी को फिर से तलब किया है। रोहित पवार बोले मुझे अन्य दस्तावेज ईडी के सामने जमा करने हैं। बिहार में 12वीं की परीक्षा के दौरान नालंदा में दिखी अव्यवस्था। एग्जाम सेंटर की दीवार फाटते दिखे स्टूडेंट्स। देरी से पहुंचने पर नहीं मिली थी एंट्री। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी का पर्यटक उठा रहे हैं आनंद। बर्फ पर स्लेज राइडिंग का ले रहे हैं मजा। कुल्लू मनाली में बर्फबारी से चारों तरफ दिख रहा है बर्फ ही बर्फ। शहर की ड्रोन तस्वीर आई सामने। लाहौल स्पीति में बर्फबारी बनी आफत। सड़क से लेकर घर तक बर्फ की गिरफ्त। बर्फबारी की वजह से 3 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। शिमला में बर्फबारी से पर्यटक खुश। बर्फबारी का ले रहे हैं मजा। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। पेड़ पौधे सभी बर्फ से ढके। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पांगी किलाड़ इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हुई। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी जिससे यातायात बाधित। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम टेस्ट आज से शुरू होगा। सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मुकाबला।